चिल्ड्रन, वीडियो को देखते ही लाइक कर देना। आई होप वीडियो आपने लाइक कर दिया है। तो आपको लेटेस्ट रिपोर्ट दे रहा हूँ सीबीएसई रिजल्ट के बारे में। चिल्ड्रन, आपका जो इंतज़ार है वो बढ़ता ही जा रहा है। बच्चे रात को सो नहीं पा रहे हैं, और पहले ये कहा जा रहा था कि भाई साहब इस वीक के लास्ट में तो आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। और अगर मैं बात करूँ क्लास टेंथ की, तो आज आप देख लो, आज इस वीक का लास्ट डे है। ठीक है, आज शनिवार हो गया, सैटरडे हो गया, लेकिन भाई साहब अभी तक ना तो सीबीएसई की तरफ से कोई ऑफिशियल सर्कुलर है और ना ही कुछ हुआ। ठीक है, तो आज हमने सैटरडे तक इंतज़ार कर लिया। ये कहा जा रहा था कि सैटरडे तक हम, यानी कि इस वीक के लास्ट तक हम क्लास टेंथ का रिजल्ट दे देंगे और 24-25 जुलाई तक हम क्लास ट्वेल्थ का रिजल्ट दे देंगे। लेकिन पता नहीं भाई साहब इस बार सीबीएसई क्या सोच के बैठी है, क्यों इतना परेशान कर रही है। एक तरफ मीडिया रिपोर्ट ये कह रही है कि सीबीएसई ने अपना पूरा काम कर लिया है, रिजल्ट बिल्कुल रेडी है। अरे भैया, रिजल्ट रेडी है तो बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो? कोई अपडेट तो निकालो यार। तुम्हारी इतनी बड़ी वेबसाइट है, तुम इतने सर्कुलर निकालते हो, तो यार एक सर्कुलर इसका भी निकाल दो कि फलानी फलानी डेट को तुम्हारा जो वो आएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो इंडियन न्यूज़पेपर है, जो सीबीएसई है, उसने न्यूज़पेपर में भी कुछ नहीं दिया कि न्यूज़पेपर में कोई चीज़ आई हो कि भाई साहब न्यूज़पेपर से पता चल जाए। कोई आर्टिकल नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ सीबीएसई से अच्छा काम तो यार आईसीएसई ने कर दिया। आईसीएसई ने कम से कम डिक्लेयर तो कर दिया, आज आईसीएसई वालों का रिजल्ट आ रहा है, तो कम से कम उन बच्चों के सिर में दर्द तो नहीं हो रहा सोच सोच के। तो आईसीएसई वाले जो क्लास टेंथ का रिजल्ट है उनका आज निकल जाएगा, और उनका जो क्लास ट्वेल्थ का जो रिजल्ट है वो निकल रहा है 5-6 दिन बाद। चिल्ड्रन, मैं आपको ये बताऊं, अभी भी आपके पास जो भी समय बचा है, आई नो कि आप भी फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, मैं भी फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं मेरे दोस्त, लेकिन बेस्ट ऑफ ईदर टर्म की डिमांड तुम करते रहो। ट्विटर पे हो तो बहुत अच्छा है, ट्विटर पे नहीं हो तो यूट्यूब में, वीडियोज में, कॉमेंट्स में पूरा वीडियो भर देना बेस्ट ऑफ ईदर टर्म के लिए। चिल्ड्रन, अब एक लास्ट में आपको एक गुड न्यूज़ दे रहा हूँ, अभी भी तुम्हारे मार्क्स जो हैं बढ़ सकते हैं। अगर बेस्ट ऑफ ईदर टर्म ना भी लगा तो भी एक ऐसा तरीका है जिससे तुम सब खुश हो जाओगे और अभी भी तुम्हारे मार्क्स बढ़ सकते हैं, और वो तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा इस छोटे से अपडेट के बाद। कोई क्वेश्चन हो या किसी प्रकार का डाउट, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो, बोर्ड हो या चाहे जेईई नीट, पढ़ाई संबंधित अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है, तो डाउनलोड करें फ्लो ऐप को। इस ऐप का डाउनलोड करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बाकी प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा, एंड उसके बाद फिर आपको अपने नंबर से इसका साइनअप करना होगा। एंड उसके बाद अगर आपको पढ़ाई संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है या फिर कोई क्वेश्चन, कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा, तो जस्ट सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन का या उस सवाल का फोटो क्लिक करना है, एंड उसके बाद उसको अपलोड करना है। मात्र 60 सेकेंड के अंदर अंदर पूरे क्वेश्चन को सोल्व करके आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार कैसे होगा। ठीक है, तो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चिल्ड्रन, अब आपको बताने वाला हूँ वो कौन सा तरीका है जिससे अभी भी सीबीएसई चाहे तो आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो यार प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत की है। और चिल्ड्रन, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, englishbaba.eb। अगर आप में से कोई बच्चा मुझसे अभी के अभी बात करना चाहता है तो वहां पे मुझे आप मैसेज भी कर सकते हो। टेलीग्राम पे चिल्ड्रन हमारे साथ 3,700 बॉयज एंड गर्ल्स ऑल ओवर इंडिया से जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का दोनों का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब बात करेंगे जल्दी से सर, वो गुड न्यूज़ क्या है जो आप हमें बता रहे थे जिससे हमारे मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो चिल्ड्रन, इस तरीके से आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं वो कौन सा तरीका है? वो तरीका है मेरे भाई इंटरनल असेसमेंट। आपको याद होगा आपका जो टर्म वन हुआ था और आपका जो टर्म टू हुआ था, टर्म वन में भी आपका 40 मार्क्स का पेपर हुआ था और 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट था, और सेम काम आपका टर्म टू में हुआ था, याद है? अगर सीबीएसई ये वाला काम कर दे कि यार जो टर्म वन का जो इंटरनल असेसमेंट है उसकी वेटेज बढ़ा दे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, मान के चलो उसको 10 की जगह 20 कर दे और इसको 30 कर दे, ये मैं वेटेज की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही टर्म टू में कर दे, तो भाई साहब तुम सबकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, सबकी। चाहे तुम टॉपर हो, चाहे तुम्हारा एग्जाम हार्ड आया था, चाहे तुम्हारे स्कूल में चीटिंग नहीं हुई थी, मजा ही आ जाएगा। अब बच्चा कहेगा सर कैसे? कोई भी जो स्कूल होता है अपने बच्चे को, जैसे ये 10 इस बार 10 नंबर का जो असेसमेंट है वो टर्म वन का है इंटरनल, और 10 नंबर का है
टर्म टू का, तो आप देख लेना आपके जो मार्क्स आएंगे सब बच्चों के 10 में से 10 मिलेंगे इंटरनल असेसमेंट में। बहुत ही जो वैसा बच्चा होगा जिसको टीचर लगता है कि यार ये तो पढ़ता ही नहीं, उसको 10 में से 9 मिलेंगे। तो अगर ये 20 नंबर का हो जाता है, अगर ये इंटरनल वेटेज बढ़ जाता है, तो 20 नंबर इधर और 20 नंबर इधर यानी कि 40, तो इसमें से 40 में से अगर मेरे बच्चे को 38 मार्क्स मिल गए तो तुम समझ लो कि तुम्हारी बल्ले बल्ले पक्की है। तो अब अगर हम चाहें तो एक डिमांड और कमेंट में कर सकते हैं सीबीएसई से, सीबीएसई प्लीज इंक्रीज इंटरनल असेसमेंट वेटेज, सीबीएसई प्लीज इंटरनल असेसमेंट का वेटेज बढ़ा दो, या तो बेस्ट ऑफ ईदर टर्म दे दो तो भी बढ़िया है, और बेस्ट ऑफ ईदर टर्म अगर नहीं दे रहे हो तो कम से कम ये वाला काम तो कर दो सीबीएसई यार हमारे लिए। चिल्ड्रन अगर मेरी बात से दोस्त अग्री करते हो ना तो यार एक लाइक ठोक दो, एक सब्सक्राइब कर देना प्लीज, और मुझे कमेंट में बता देना कि सर हम आपकी बात से अग्री हैं या नहीं हो। अगर आप नहीं अग्री करते हो कि नहीं सर आपने खराब चीज बताई है हम आपकी बात से बिल्कुल अग्री नहीं करते, तो भी लिख देना। और अगर आप अग्री कर रहे हो नहीं सर आपने तो एक ऐसा तरीका बता दिया जिससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, बिना बेस्ट ऑफ ईदर टर्म के भी हम अच्छे नंबर ले सकते हैं, तो यार वीडियो को लाइक कर देना, मेरी इस मेहनत को जाया मत जाने जाना देना, वीडियो को इतना शेयर करो कि सीबीएसई तक ये वाला जो आइडिया है वो हमारा पहुंच जाए कि भाई इंटरनल जो असेसमेंट है वो बढ़ा दिया जाए। फिर दोस्तों फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, बाय, जय हिंद जय भारत।